अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारी, मेरे अजीजों मैं इफ्तिखार इफी प्यारे पाकिस्तान के बहुत ही प्यारे शहर गुजरात से, और गुजरात का एक बहुत ही खूबसूरत सपूत आसिम नदीम मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा छोटा निका वीर यूके से आए हुए थे और मैं इनसे मिलने के लिए गुजरात आया हूँ आज, और मैंने स्टेटस भी दिया था कि मैं गुजरात जा रहा हूँ। तो आसिम नदीम की एक क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत खूबसूरत इंसान के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत शायर भी है। जी हाँ, मैं जब लंदन गया था तो लंदन में जब भी मैं जाता हूँ तो यही वो शख्स है जो मेरा मेज़बान होता है, और स्टार्ट मैं करता हूँ सिर्फ एक शेर से, और वो है कि गौस कुतब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, गौस कुतब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। तो ये मेरी तरफ से मेरा शेर था, और मैं आसिम भाई से गुजारिश करूंगा कि मेरे देखने वालों के लिए आसिम भाई कोई चीज़ अदा करें। पता जनाब आपकी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो ये अपनी कश्ती जलाने के बाद आया था, वो अपनी कश्ती जलाने के बाद आया था, एक जमाने के बाद आया था, वो अपनी कश्ती जलाने के बाद आया था, जो गांव एक जमाने के बाद आया था, ये बस्ती खाना बदोशों की है यहाँ पे रिस्क, ये बस्ती खाना बदोशों की है यहाँ पे रिस्क, सभी की भूख मिटाने के बाद आया था, ये बस्ती खाना बदोशों की है यहाँ पे रिस्क, सभी की भूख मिटाने के बाद आया था, अकेली माँ नहीं रोया था बाप भी उस दिन, अकेली माँ नहीं रोया था बाप भी उस दिन, जवान बेटा जमाने के बाद आया, जबरदस्त क्या बात, बहुत अच्छी तरह। घास पे पड़ी शबनम बताती है आसिम, वो झील पे मेरे जाने के बाद आया, क्या बात, ये घास पे पड़ी शबनम बताती है आसिम, वो झील पे मेरे जाने के बाद आया था, वो अपनी कश्ती जलाने के बाद आया था, जो गाँव एक जमाने के बाद आया। वाह 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 दोस्तों, ओवरसीज खुद भी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी शायरी। और ये शाहिद साहब हैं, आइए शाहिद साहब इधर, ये यहाँ है, ये शाहिद साहब हैं जी, ये मेरे फ़ैन हैं, और जो दोस्तों मैंने स्टेटस दिया था उसको देखकर ही आए, और मेरे लिए गुलदस्ता भी लाए। अभी इन्होंने हमें यहाँ बट की बड़ी मशहूर गुजरात की चाय है वो भी पिलाई है। शाहिद साहब मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना टाइम दिया, मेरे वापस के बाद आप याद रखिएगा, बहुत सारी आपकी दुआएं आसिम नदीम के लिए और मेरे देखने वालों के लिए। दोस्तों लोग कहते हैं कि फेसबुक नहीं है, फेक बुक है, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं कि ये रियल बुक है। आसिम नदीम मुझे फेसबुक से मिले थे बहुत साल पहले, शाहिद भाई आज मुझे मिले हैं फेसबुक से, आप भी हैं जी, आए जी रास्ते में हम खड़े हैं तो एक साहब ही आ गए, क्या नाम है आपका, हसन, आप भी हसन, हसन क्या कहेंगे मेरे देखने वालों से, इफी भाई बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं एक साल से इनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी जो फर्स्ट वीडियो मैंने वो देखी थी लंदन वाली, अच्छा। जब आपने बोला था कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा था लंदन जाने के लिए 1990 के दौर में, तो आपके बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, ये तो मैं कब से आपका वेट कर रहा था, उसे बैठ के देख रहा था, मैं आपकी हर वीडियो फॉलो करता हूँ, बहुत शुक्रिया दोस्तों। नौजवान अगर बात सुनने लग गए इन जैसे और इन जैसे नौजवान, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और नबील साहब आप भी इधर आ जाएं, नबील साहब हमारे साथ हैं, ये हमारे हम सफ़र थे, और नबील इनकी जो वेव्स हैं उसमें गिरफ्तार हैं, तो यकीनन इफी भाई के होने से इस मुआशरे पर असर तो होगा। मैं जी इफी साहब की वजह से बहुत से खूबसूरत लोगों को हमेशा मिलने का मौका मिलता है, आज भी और नए दोस्त नए लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, इसकी तो गारंटी जब चले थे घर से तभी थी कि अच्छे लोग ही होंगे, यकीनन अच्छों के साथ चल रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, मिलके और भी अच्छा लगा, अच्छा तजुर्बा हुआ, ज़िंदगी के जितने भी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस हैं उनमें एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जा रही है, बहुत शुक्रिया। और दोस्तों वो दोस्त जो मुझे, मैं आप वीडियोस देखेंगे, मैं तीन पैगंबरों की यहाँ कब्रें हैं 40 किलोमीटर के रेडियस में, मैं वहाँ गया था, मैं वो वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा और वो आप देखेंगे। मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा जहन का, जहन वकार जो बच्चा फ़ोन करके आया था, और फिर उसके बाद उसने हमारी बड़ी खिदमत की, वो इस सारे इलाके में मुझे लेकर गया, जहन में आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उन तमाम चाहने वालों का जो
जो मुझे फेसबुक पे देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, अल्लाह आपको आपके प्यारों को सलामत रखे, अल्लाह आपको आपके प्यारों को सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। इन लोगों ने भी आसानियाँ बांटी, इस बच्चे ने भी आसानी बांटी और जैन ने भी आसानी बांटी, अल्लाह ताला मुझे भी अब तौफीक दे आसानियाँ बांटने की। और सबसे रिक्वेस्ट है कि एफी सर को फॉलो करें, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, और आप मायूस नहीं होंगे इनकी वीडियो देखने के बाद। लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। ये एक गुजराती बच्चे की ये ख्वाहिश थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।